अपने मन की व्यक्तियों को एकाग्र जब कर देंगे, संसार की वासनाओं को पीठ दिखा देंगे, तब सदगुरु के सम्मुख हो जाएंगे। तो सदगुरु के सम्मुख जब हो जाएंगे, एक एक वचन इनको ऐसा लगेगा कि जैसे एक एक युग पलट गया, इनके लाखों जन्मों के कर्म काट दिए। जब गुरु का वचन समझ में आता है, गुरु का वचन यूं समझ में नहीं आता। पहले कहते हो कि हम आके बैठ के सत्संग में बातें सुन ली, हमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, हंसी मजाक किए और चलो पीछा छोड़ दिया। ये बात मजाक की भी थी, लेकिन रोचकता के साथ साथ इसमें जो सच्चाई छिपी हुई थी उसको जानो। हरि का द्वार क्या है? अरे हरि माने परमात्मा, द्वार माने उसका जो दरवाजा है उस पर। हरि द्वार क्यों नहीं खटखटाते? उसको हमें बार बार संसार के लोग भी कहते हैं कि अभी तेरे वो काम कोई आने वाली नहीं है चीज, तेरा हित किसमें है? परमात्मा की भक्ति में है। अंत सहाय जो है उसको हम भूल जाते हैं और झूठे सहारे पकड़ते हैं, जो कभी सहारे बढ़ते हैं टूट जाते हैं। जितने झूठे सहारे बनाए हैं, एक का भी साथ दिया हो ना, किसी भी जवाई ने साथ दिया, ना बेटे भाई ने दिया, ना कभी और थे और पति पत्नी की निधि संसार के और इसके नाते कहा मिलेंगे। कोई 10 कोस पे, कोई 20 कोस पे, कोई 50 कोस पे छोड़ जाएगा। ये मुसाफिर करना है, मीठी जेल है संसार, लेकिन इससे जो बैठ के निकल आ रहा वही भागी जीव है, खड़ा नहीं निकल सकता। इस पर अहंकारी मनुष्य से जीत नहीं हासिल कर सकता। इसमें तो जिसमें नम्रता है, दीनता है, हीनता है, अपने को सबसे निमाना और छोटा मानता है, वही जीव संतों की शरण में जाके उनके ज्ञान के काबिल हो सकता है, वही उद्धार को ले सकता है, वही उद्धार को तोड़ सकता है। अरे की गलत बात नहीं है, फिर भी संतों की शरण में लगे रहोगे, लगातार सत्संग करते जाओगे, मन की वृत्तियां तुम्हारी सुधरती जाएंगी, रुकती चली जाएंगी, वासनाएं हटती चली जाएंगी, तब तुम्हें वो तुम्हारा सत रूप अंतर में ही दिखेगा, घट में प्रकाश हो जाएगा, अज्ञान दूर चला जाएगा। तो जो जो तुम सब की कमाई करोगे, तुम उसमें लय हो जाओगे, मिल जाओगे। अंत की जो धुन है उसमें इतनी मस्ती मिलेगी, उसी वो धुन कहां से निकलती है? वही सब रूप है, वही से जीव आत्मा की खुराक है, उसी से ही जिंदा है। शरीर की पौष्टिकता या इसको सुदृढ़ बनाना, बलवान बनाना, या हम इसको ताकतवर बनाते हैं, संसार के पदार्थों को खाके बनाते हैं, लेकिन इनके खाने से उतना ही मन बलवान होता जाता है। आत्मा की खुराक क्या है? जो जो शब्द की कमाई करते चले जाओगे, शरीर दुर्बल हो जाए कोई बात नहीं है, आत्मिक बल बढ़ता चला जाएगा, इच्छा शक्ति दृढ़ होती चली जाएगी, आत्मोन्नति होगी, उससे आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। और आत्म साथ जब करोगे तभी तुम मालिक से और अंदर वाले सदगुरु से मिलने की काबिल बनोगे। लेकिन ये काम एक दिन का नहीं है, ये तो लगातार पल पल की रिकॉर्डिंग करने का है। मन दुष्ट जब तक बैठा हुआ है और वो जब तक आधार ढूंढता है, वो तब तक इंद्रियों के द्वारे पर बैठ के घुमाता रहता है। चंचल है, बहुत चंचल है, रुकने वाला नहीं है। इतना बड़ा चोर संसार में नहीं मिलेगा जो मन चोर है, देखते देखते पलक झपकते हुए रखवाली करते करते निकलेगा, सुमन करते हुए चला जाएगा, ध्यान लगे हुए तो एक पल में तुम्हें उठा देगा वहां से। ध्यान समाधि निम विकल्प की तो बात छोड़ दो, ये संकल्प और विकल्प के साथ भी नहीं करने देगा। लेकिन जो गुरु के वचन में बंध के रहता है, बार बार गुरु के वचन को याद रखता है और मन को बार बार नानक देता रहता है, गुरु के वचन को ही सबसे बड़ा अंकुश मानो जो इस मन को रोक सकता है। और मन जब तक नहीं रुकेगा, ये जब तक तुम्हारे काबू में नहीं आएगा, तब तक लाख कोशिश करो इस मारे पर चलने के काबिल नहीं हो पाओगे। राधा स्वामी मत इसीलिए ऊंचा मत कहा गया है, ये कोई पाखंड नहीं सिखाता, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इंसान अपने मूड को सुधारे, अपनी बुनियाद को बनाए। जिसकी बुनियाद नहीं होती है उसके ऊपर कोई चीज नहीं ठहर सकती। अच्छा भवन बनाने के लिए उसकी मजबूत तुम
मजबूत उसकी बेस बनाते हो। जब से मूल किसी चीज का मजबूत नहीं है उसके ऊपर अच्छी चीज की काम ये सोच लेना कि भाई कोई हम अच्छी चीज तैयार कर सकते नहीं हो सके। तो पहले मूल को सुधारो, कबीर साहब जी कहते हैं कि पहले मूल सुधारो फिर कागज वसाना है। धोती रेती बस्ती पाओ आसन कदम जुगत से लाओ कुंभ को लेके करवाओ पहले मूल सुधार कागज वसाना है। कि धोती रेती बस्ती ये तो क्रिया है कि इनको करो कोई बात नहीं है, लेकिन इनको करने से पहले अपने मूल को सुधारो। जो जीव नशे विषयों में पड़ा हुआ है, जो मांस मछली अंडे खाता है, घरों में जिसके प्यार प्रेम शांति नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की जो इज्जत कदर नहीं करता है, नित नए नए तुम पाप के रास्ते अपनाते हो, सब झूठ कपट बेईमानी करते हो, अपने निज हित के लिए दूसरों को धोखा देते हो और तुम उनके आगे पीछे ऐसे घेरा घेरी का काम करते हो या तुम ऐसा मन खाते हो, तुमने अपने मूल को खराब कर अन्य कोष को बिगाड़ लिया है। अन्न कोष मूल है इंसान के शरीर का। जो इंसान जैसा अन्न करता है वैसा मन होता है, जैसा मन होगा उसमें वैसे ही विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा ही उसका ज्ञान, वैसा ही विज्ञान और वैसा ही उसका परिणाम होगा। इसलिए मूल तय मूल चीज है अन्न कोष को बनाना, अन्न कोष को सुधारना, अन्न कोष के लिए शुद्ध अन्न पवित्र। बाकी जो तप तप त्याग ये बात की चीजें हैं, पहले आदमी उन चीजों को अपनाए जिनकी हमें पहले जरूरत है। अब पिया चाहे प्रेम रस राखिया चाहे मान, अरे दोनों काम कैसे होंगे? एक तरफ तो प्रेम का प्याला पीना चाहते हो और दूसरी तरफ इज्जत भी रखना चाहते हो। भक्ति अगर करना चाहते हो तो संसार से तो विमुखता करनी पड़ेगी, निष्कामता होनी पड़ेगी, उपरांता जरूरी है उसके लिए। जब तक संसार के कामों में से उपरांता नहीं है, जब से उदासीन भाव नहीं अपनाओगे उनके प्रति, भक्ति की भ्रमण कभी नहीं करेगा उनकी चीज। इसका मतलब ये नहीं आप गृहस्थी लोगों घर छोड़ने की नहीं कहता मैं, काम छोड़ने की नहीं कहता हूँ मैं, परिवार छोड़ने की नहीं कहता हूँ। परिवार को बड़े प्यार से रखो, अच्छी तालीम दो बच्चों को, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, अच्छे संस्कार दो अपने बच्चों को, उनको सच के मार्ग पर डालो, अच्छा करना सिखाओ उनको, अपराध की कमाई करना सिखाओ, नेक नियति रखने का साफ मन, किसी की निंदा बुराई चुगली के रास्ते पर मत जाने दो, छल कपट धोखा बेईमानी की बात खुद ना करो, अपने आप से लड़ जाएंगे वो। अरे तुम खुद जब ऐसी बात करते हो और संतान से ये आस करते हो कि वो अच्छा सीख जाएंगे या अच्छे मार्ग पर चलते, कभी नहीं होते। उनको सिखाने की जरूरत नहीं, तुम खुद अच्छे बन जाओ, वो अच्छे अपने आप बन जाएंगे। वो तुम्हारे से सीखते हैं, तुम्हें देख के सीखते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है। प्रेमियों जरूर सबसे पहले चीज है आदमी अपने पारिवारिक परिवार को सुधारे। पहले खुद सुधरोगे फिर परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरने के बाद समाज अपने आप उन्नत होगा, अच्छा होगा। लेकिन हमने खोट लाभ भरे पड़े हैं, दूसरे की बुराइयों को देखते फिरते हैं, तो क्या खास सुधार की गुंजाइश है? अरे दूसरे की बुराई क्यों देखते हो, क्यों पर निंदा करते हो, क्यों उनके पाप तुम अपने से ओढ़ते हो? नहीं, उनकी तरफ न देखे अपनी बुराइयों को देखो, अपने अंदर जो कमी है उनको निकालो, तुम खुद अच्छे बन जाओ, तुम्हारे लिए सारा संसार अच्छा है। लेकिन तुम खुद बुरे हो तो दूसरे को क्या दिखाओगे? हमेशा जहां कहीं जाओ अच्छे गुणों को लेके आओ, अच्छी बात करो, मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो दूसरे के साथ, उसके मन को जीतो, क्योंकि जितने भी रचना है परमात्मा की रचना है, उसकी बनाई हुई मूर्तियों को, उनकी बनाई हुई रूहों को खुश करोगे तुम्हें वो अपने आप खुशी मिलेगी। कुदरत का नियम है, जो इंसान जैसा जिसको देगा उसको वैसा मिल जाएगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगा, धोखा करोगे तुम किसी से तुम्हारे साथ धोखा होगा। तुम ये करके देख लेना, अगर जो किसी के साथ धोखा करता है उसके साथ अवश्य धोखा होगा, क्योंकि नियम है कुदरत का, लाभ लेते रहिए नहीं गलतता। परंतु हम तो चला क्या करके सोचते है कोई देखता नहीं है। अरे देखता है, हम के लिए भी नहीं छोड़ता तुम्हें,
तुम्हें सोते हुए को देखता है, जागते हुए को देखता है, दिन में देखता है, रात में देखता है, हम सोते हुए नहीं सोता है, इसीलिए तो उसको अजर अमर अविनाशी कहा है। और जब हम ये सोच लेते कोई नहीं देखता है, उसी टाइम में हम काफी लोग और वकारी करते हैं। इंसान का खुदा के बाद में दूसरा दर्जा है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। जो इन्हें बातों की बुराइयां लगाई है, उन बुराइयों को दूर निकाल दे। जब वो बुराइयां दूर हो जाएंगी क्या बचेगा? ये एक दम बड़ी उसी रूप में बच जाएगा जिस रूप में था, नहीं तो इस आत्मा को भी तो परमात्मा दे सकते थे। क्यों कहा कि आत्मा तो परमात्मा, ये परमात्मा का रूप थी, लेकिन जब मिलोनी हुई इस काल में इसमें आके इस पर मन बक्से आरोप के पढ़ते चले, ये काल और माया में जब जब ले गया और बुरे कर्म कर करके इसने कर्म का भार अपने सिर पर लदवा लिया, इसलिए प्रदूषित हो गई और अपना घर भूल चुकी है, इसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वक्त के सब शब्द गुजरवाते हैं। वो ऐसा लेकिन जीवों को चेता के कहते हैं, भाई तेरा ये काम नहीं है। तो प्रेमियो नित्य प्रति के तुम अपनी गलतियों को देखा करो कि मैंने कितनी गलती की है, मैंने क्यों की है, किस लिए, क्या काम आएगी मेरे, कितने दिन तक मैं ऐसा करूंगा, जीवन का क्या भरोसा है, कब तक ये चलेगा। सभी बातों को देखोगे, इसी एक बात में तो बाबी जी को सुधार किया था। एक एक वचन ने ही इन महापुरुषों को रास्ते दिखाए। और जब वो हालत हो जाएगी, जब ज्ञान समझ में आ जाएगा, सच्चाई आपके सामने होगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि संसार नित्य है और सत्य सिर्फ वो है जो हम देखते हैं। इन आंखों से न सच्चाई देखी जा सकती है, ये तो संसार के पदार्थों को देखने के लिए, ये आंखें इसलिए नहीं दी थी गंदी गंदी चीजें देखना, काम इसलिए नहीं दिए थे संसार की उल्टी सीधी निंदा चुगली सुनना, जिब्रा इसलिए नहीं दी थी कि मिथ्या वचन का उच्चारण करना, जिब्रा इसलिए दी थी कि परमात्मा की भक्ति का गुणगान करना, कि हमें कितने अच्छे अच्छे तोहफे दिए, काम इसलिए दिए थे कि हमें सिर्फ अच्छी बातें सुननी, बुराइयां नहीं,